सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आज सार्थक गोयल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आया हूँ भाई। बिना बकचोदी के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बता दूं, आपके जो भी इंटरेस्टिंग सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं नीचे कमेंट सेक्शन से ही आपके क्वेश्चंस उठा के आपको उनका जवाब दूंगा। चलिए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मैडम प्लीज सबको हेलो बोल दीजिए। चलिए 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 लेट्स स्टार्ट भाई। क्वेश्चन, जब भी मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तब वो बोलती है कि लगता नहीं कि तुम सिंगल होंगे, इस चीज का क्या मतलब समझूं? देखो भाई, सबसे पहली बात, तुम बोलते रहे, तुम्हें हर लड़की बोल रही है, बट जब भी तुम्हें लड़की ये चीज बोले कि तुम सिंगल नहीं लगते हो, इसका मतलब तुम लड़की को इसी चीज को एग्जैजरेट कैसे करोगे? अच्छा, इसका मतलब तुम भी मुझे अट्रैक्टिव समझती हो। वैसे तो मेरी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स है, बट तुम्हारे हाव भाव देख के लगता है और एक मिल सकती है। लड़कियों को हमेशा ऐसे रिप्लाई देना, कभी भी उनके क्वेश्चंस में फंसना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो, लड़की ऑफेंड हो गई है और अब इग्नोर कर रही है क्योंकि मैं उसको टीज कर रहा था, क्या करूँ? बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसे टीज कर रहे थे ना और तुम्हें इग्नोर कर रही है, ऑफेंड हो गए ना, मैं सही बता रहा हूँ, उस लड़की को मनाना भी मत। मैं तुम्हें बहुत सिंपली बता रहा हूँ अभी वो लड़की किस चीज से नाराज है। हो सकता है तुमने टीज करते करते उसे कुछ थोड़ा सा एरोगेंट बोल दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसे मनाने मत जाना, ठीक है? अभी लड़की इस चीज से नाराज है, आफ्टर सम टाइम वो पता है किस चीज से नाराज हो जाएगी। यार ये कितना हरामी है, ही डजंट इवन केयर टू से दैट मनाने नहीं आया, राइट? तो दिस मीन्स दिस ऑल्सो, और मैं सेम तरह से एक और चीज बता देता हूँ, जब लड़की को लगता है ना ये मनाने नहीं आया, दैट मीन्स ही डजंट केयर। एंड मोस्ट ऑफ दी वुमेन, मोस्ट ऑफ दी लड़कियाँ, उन्हें ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं हु रियली डोंट केयर। ट्रस्ट मी, दैट इज एन अट्रैक्शन स्पार्क फॉर यू, उस लड़की को अवॉइड करो। और अगर वो लड़की वापस आ भी जाए तो बोलना है रियली मुझे ऐसी लड़की के साथ रहनी नहीं है जितनी छोटी छोटी सी टीज से इतना ज़्यादा भाई साहब बुरा मान जाए। इतनी सेंसिटिव लड़की तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टर प्लीज पिक माई क्वेश्चन एंड सेंड इट टू सार्थक ब्रो। या माई क्रश कम्स इन माई ड्रीम्स and many times her name appears in my text and videos. Is there any telepathic connection between us? Bro, मेरे को इतनी physics की knowledge नहीं है, but मेरे हिसाब से ऐसी तो किसी की setting नहीं हुई है। और कोई भी connection अगर वो भाई लोग एक साथ रहते हैं बहनचोद तब उनके connection नहीं बनते, और तुम बोल रहे हो कि telepathic connection bro। तो I will honestly say कि अगर तुम ठीक है, होगा, हो सकता है, बट अगर तुम इन चीज़ों की वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो या यू cannot move on to another better option, then this is all stupidity. Next question. भाई अगर GF झूठ बोले तो क्या करना चाहिए? चीटिंग को छोड़कर बाकी सब चीजों में झूठ बोलती है। उस लड़की को झूठ बोलने के और चांसेस देना ही बंद कर दो, जब तुम्हें पता है एक दो बार उसे कॉट कर लो। एंड ऑफ अ गर्ल, अगर कोई लड़की तुमसे झूठ बोल सकती है ना, ट्रस्ट मी वो तुम्हें चूतिया समझती है। दूसरी चीज, शी डजंट रिस्पेक्ट यू। तो भाई मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसी लड़की से खुद पीछा छुड़ा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हे सर, आई एम 20 एंड कैन आई अप्रोच 28 साल की लड़की, गिव मी एडवाइस ऑल्सो। मैं आई थॉट कि मैं इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बार लड़कियाँ भी तो अपने बड़े लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है जो 11-12 साल का गैप होता है, तो गिव मी सम डायरेक्शंस लव फ्रॉम पंजाब। देखो भाई, लड़कियाँ अपने से बड़े लड़कों से इसीलिए अट्रैक्टेड रहती हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, देयर विजडम, एंड देयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट सबमिटिंग टू देम बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। और उन्हें लड़कियों का भी एक्सपीरियंस होता ही है मेजरली, सो इट इज़ वेरी। और दूसरी चीज़, जब लड़कों को भी पता होता है लड़की मेरे से छोटी है ना, तो वो सबकॉन्शियसली भी दे स्टार्ट डोमिनेटिंग हर लिटिल बिट, विच गर्ल्स लाइक, दे स्टार्ट टेकिंग लीड एंड द गर्ल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट्स देम। ये वजह है जिस वजह से लड़कियों को अपने से बड़े लड़के पसंद आते हैं, और जब लड़के अपने से छोटी लड़की को चूज भी करते हैं तो रिलेशनशिप आदमी के हिसाब से चलते हैं, एंड देर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व इन इट। तो दैट इज वाई जब लड़की थोड़ी छोटी होती है, देन देर आर वेरी हाई चांसेस, जब इन अरेंज सिस्टम स्पेशली, कि अगर लड़की छोटी है तो रिलेशनशिप्स वर्क वेरी वेल, ठीक है? अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि क्या मैं 20 साल का 28 साल की लड़की को अप्रोच कर लूँ, क्यों नहीं करना भाई, डेफिनेटली करो, बट मेक श्योर तुम्हारा और उसका एजेंडा सेम होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी कराएंगे जब तुम 28 के होगे, और जब तुम 28 के होगे वो लड़की 36 की होगी, तो ये चीज तुम थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को बोला फिजिकल होने के लिए, लेकिन उसने बोल दिया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तो मैंने भी दोबारा नहीं बोला उससे, पर अब क्या बोलूं? कुछ नहीं,
अगर तुम वैसी लड़की नहीं हो तो अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट ये बता दो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो ये आधा बुरा क्या होता है? नहीं तो तुम अपना काम करो, दूसरी चीजें करो जो कि एक्चुअल में अच्छी है, ये आधी बुरी का क्या मतलब है? तुम यहाँ डेटिंग मार्केट में हो ही क्यों, राइट? यू शुड बी डूइंग व्हाट योर पेरेंट्स लाइक। अगर तुम वैसी लड़की हो ही नहीं, देन व्हाई आर यू डूइंग दिस? बॉयफ्रेंड क्यों बना रहे हो? बॉयफ्रेंड क्यों बना रही हो? दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। मैं सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये चीज तुम्हें डिप्रेशन में डाल देगी। बहुत सारे रीजंस में ऐसा होता है, लड़की एक्चुअली तुम्हें बस अटेंशन और वैलिडेशन के लिए यूज कर रही है, ठीक है? और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस वजह से ना, क्योंकि लड़की ने अपना कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, शी माइट नॉट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर डंपिंग यू, बिकॉज हियर लड़की इज द वन हु इज कंट्रोलिंग द रिलेशनशिप। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल एंड अप इन डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैंने आज तक इंस्टा पे एक भी फोटो नहीं डाली क्योंकि मैं बहुत शाय हो जाता हूँ फोटोज देने में। प्लीज कुछ बताइए जो ये शाइनेस को खत्म करूं। कोई बात नहीं, एक फोटोग्राफर को दो 2000 रुपए। शाइनेस को मिटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या करते हो? तुम्हें चाहिए वैलिडेशन कि क्या मैं जो चीज सही कर रहा हूँ या नहीं। 2000 रुपए, 1500 रुपए का अपना बढ़िया सा एक फोटो शूट कराओ, उनको अपलोड करो। मैं सिंपल, और फेस अच्छा बुरा किसी का नहीं, ट्रस्ट मी। आप कितने भी गंदा दिखने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है, बट अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर अगली, ट्रस्ट मी, शो ऑफ योर फेस एंड व्हेन पीपल नोटिस योर कॉन्फिडेंस ना, दे स्टार्ट फीलिंग दैट ठीक है, दिस इज डेफिनेटली नॉट अगली। तुम समझ रहे हो? हैव यू सीन, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं तो वैसे किसी को अगली नहीं बोलता हूँ, बट उनके अंदर बिल्कुल भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनफैक्ट मोर ब्यूटिफुल पीपल ऑफन फॉल इन टू द इनसिक्योरिटी कि वी आर नॉट गुड लुकिंग, जिसको वो शाइनेस का नाम दे देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक भाई दो क्वेश्चन हैं। ऐसे क्या करें कि न्यू कॉन्टैक्ट लड़की हम पे इन्वेस्ट करे और वो हमें इम्प्रेस करे, एंड सेकेंड साइंस दैट शी इज प्रोमिस्क्यूअस। सबसे बड़ा साइन दैट अ गर्ल इज प्रोमिस्क्यूअस मींस, जिनको नहीं पता है भाई, हो बेसिकली इधर उधर की बकचोदी करती है, ये लड़का वो लड़का, बॉय टू बॉय बाउंसर टाइप की लड़कियां। तो सबसे पहली चीज, टू इंपॉर्टेंट साइंस जो मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बट हाँ, अगर वो बहुत सारे लड़कों को जानती है और बहुत सारे लड़के उसे जानते हैं, देन अवॉइड हर। सेकेंड साइन दैट शी इज प्रोमिस्क्यूअस इज दैट शी इज इन टू द डेटिंग थिंग्स, ठीक है? मतलब वो उसका, मेरे को समझ में आता है कि कौन सी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हॉबी एक्चुअली चक्कर वक्कर चलाना, लड़कों से बकचोदी करना, तो दिस इज अनदर साइन। बाकी तो यार ड्रेसिंग, हेयर वेयर, फालतू में ऑब्जेक्टिफाइंग देमसेल्स, दीज थिंग्स तो फॉल अंडर इट ओनली, जो कि मैं ठीक से कंसिडर भी नहीं करता। मैं तो ऐसी चीजें बताता हूँ जो लड़कियां करती हैं, अच्छे कपड़े पहनने वाली भी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? लड़की को मेरे अंदर इन्वेस्ट कैसे कराऊं? देखो भाई, अगर लड़की को अपने अंदर इन्वेस्ट कराना है ना, तो ऑलवेज बी इन्वेस्टिंग लेस, द लेसर यू इन्वेस्ट द मोर शी इन्वेस्ट इन यू। दूसरी चीज, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल, क्योंकि याद रखना, बहुत अच्छी बात है तुमने क्वेश्चन पूछा, कि लड़कियों को एक्चुअली हमेशा उसी चीज की वैल्यू होती है जो उन्हें मेहनत मशक्कत के बाद मिले, एंड दे ऑलवेज वॉन्ट ओनली दैट थिंग जो उन्हें मेहनत मशक्कत के बाद मिले, तो बी दैट गाय। और जो लड़की मेहनत, ऐसा नहीं है हर लड़की मेहनत करेगी, देर इज ओनली गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक गर्ल्स जो आपके लिए मेहनत करे, लुक फॉर देम, हंट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हे ब्रो, आई एम विद अ गर्ल जिसका 2 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है, एंड जब मैंने उसको पूछा कि मतलब डेट कर सकते हो या नहीं, तो उसने हाँ बोला एंड उसने सामने से किस किया। अब वो बोल रही है मुझे कि वो रिग्रेट कर रही है एंड वो सिर्फ मेरी दोस्त बन के रहना चाहती है, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, तो मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तुम्हें कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। पहले उस लड़की ने तुम्हें किस इसीलिए किया क्योंकि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में वापस इंटरफेयर कर रहा है, दैट इज why she is ashamed of being with you, simple। अगर उसके एक्स की इंटरफेरेंस नहीं होती तो तुम, और दूसरी चीज, अगर उस लड़की ने तुम्हें 2 महीने के ब्रेकअप में तुम्हारे साथ किस किया ना, यू वर जस्ट अ रिबाउंड, दैट गर्ल वॉज ट्राइंग टू सी अगर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुला सके तुम्हारे साथ चीजें आगे बढ़ा के, एंड यू गॉट यूज्ड हैप्पीली। तो एक बार कर लिया उसके मजे लो, आगे बढ़ो, एटलीस्ट किस करना तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक भाई समझ नहीं आ रहा, गर्ल से बात भी कर लेता हूँ पर लेजी बन रहा हूँ, और इसीलिए आपकी टिप्स सुन के भी फॉलो करने का मन भी करता है लेकिन नहीं कर पा रहा, ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा, क्या करूं? देखो गाइस, जब भी आप अपनी लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन में हो ना, जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, करने का मन नहीं कर रहा है, या आप ऐसी कोई भी सिचुएशन में आते हो ना, तो ऐसे में आप बस ना अपने लाइफ के बेसिक्स को करेक्ट कर लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि मेरे लिए करना सही क्या है, लेकिन बेसिक चीजें तो आपको पता होती है ना लाइफ में क्या चीजें सही करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग योर स्लीप, गोइंग टू द जिम एवरी डे, लर्निंग एक्स्ट्रा थिंग्स इन योर लाइफ, हैविंग गुड डाइट। जब आप ये, एंड रीडिंग, अपने आप को बेसिकली इवॉल्व,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में सबका ही ना आगे बहुत बड़ा पर्पस हो या सब कुछ हो, ऐसा मैं बहुत ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ। पता ही क्यों? क्योंकि दो तरह के लाइफस्टाइल होते हैं, या तो एक होता है लाइफ ऑफ पर्पस एंड देर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड लाइफ ऑफ एंगेजमेंट। तो आप देखते हो कभी कि अमेरिका के लोग होते हैं काफ़ी सारे, दे आर ऑलवेज इंटू एक्टिविटीज़, कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कोई बैकयार्ड में ये है, दे आर मोर इंटू एंटरटेनमेंट मोस्ट ऑफ देम। दिस इज बिकॉज अमेरिका के ज़्यादातर लोग, मैं एक वो ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम लोग को बकचोदी करते हुए वही लोग दिखते हैं, बिकॉज वो लोग लाइफ ऑफ एंगेजमेंट भी जीते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइफ ऑफ एंगेजमेंट या एंटरटेनमेंट भी नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू दैट जो चीज़ें आपके लिए सही है ना, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे ही उस जोन में आओगे ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ कि कई बार ये चीज़ें ना लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी होती हैं। जब हमारे अंदर वो मेल हार्मोन जो हमें मोटिवेट करता है या हमें ड्राइव करता है ना, जब वो ओवर वेन, जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, वो हमारी फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट करने लगता है। इसीलिए जैसे लैक ऑफ एनर्जी वगैरह आपको फील होती है, तो आप अपनी ये सब चीज़ें राइट करिए ही करिए। बट मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोग ना मैंश्योर का एनर्जाइजर भी यूज़ कर सकते हो। ये एक 100% आयुर्वेदिक और ISO और GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। आपको इस मैंश्योर एनर्जाइजर में काफ़ी सारी काम की चीज़ें मिल जाती हैं। मैं क्विकली आपके कुछ इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, केसर, सफ़ेद मूसली, अकरकारा, लौंग, कौच बीज, ऐसे ही काफ़ी सारे ना यूनिक और रेयर हर्ब्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। देखो, दीज थिंग्स आर ना, ये आयुर्वेदिक होती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, इसीलिए इन चीज़ों का बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखता है। तो इसीलिए यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग देम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके आपको फील होता है येस। और साथ ही साथ कई सारे लोग होते हैं जिनको ना पॉर्न एडिक्शन वगैरह की वजह से भी ना, दे स्टार्ट लूजिंग देयर फोकस एंड क्रिएटिविटी। तो थिंग्स लाइक दैट, जब आप राइट चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, दीज थिंग्स रियली हेल्प यू गेट बैक इनटू योर जोन। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट एंड सी इफ इट हेल्प्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैं बहुत मैस्कुलाइन बन चुका हूँ, तो अगर अब मुझे अच्छी लड़की मिले बाय नेचर, तो मुझे टॉक्सिक बनना जरूरी है उसको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर मतलब मेरी मैस्कुलिनिटी भी मेंटेन हो जाएगी टॉक्सिसिटी के साथ, या फिर मुझे उसके साथ अच्छा ही एक्ट करना चाहिए? देखो, अगर आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा ना कि टॉक्सिसिटी इज द एंड रिजल्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, अगर आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ रहेगी ना, तो इस दुनिया में हर इंसान जो मैस्कुलिनिटी के साथ टॉक्सिक जोड़ता है ना, आप उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो लड़की आपसे फेमिनिन रहे ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक तो सबसे पहली बात ब्रो, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, क्योंकि आपने मेरा वो लेटेस्ट जो मेरे मेन चैनल पे वीडियो है ना, वो आपने नहीं देखा है। उसमें मैंने पर्टिकुलरली बताया दैट इफ़ यू वॉन्ट टू कीप अ गर्ल फेमिनिन जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो मेक श्योर अगर आप पहले 12 घंटे काम कर रहे थे, नाउ यू हैव टू वर्क फॉर 14 फकिंग आवर्स, यू हैव टू कीप एडवांसिंग इवन मोर, यू गिव हर टाइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप सही चीज़ें करोगे ना, तो लड़की आपकी लीड को फॉलो करेगी। यू हैव टू स्टार्ट लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अपने बिहेवियर से, अपनी चीज़ों को अचीव करके, दैट इज़ व्हेन द गर्ल ऑटोमेटिकली कीप सबमिटेड टू यू। ऑब्वियसली आपको बीच बीच में बाउंड्री शो करनी पड़ेंगी कि हे लिसन, दिस डजंट वर्क लाइक दैट, बट द गर्ल विल रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लड़की फेस टू फेस खुद बात करती है पर फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या क्यों? तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी क्यों? पर तो क्यों ऐसे एक, कर एक बार लड़की? बताओ एक बार, चलो एक बार मारे भाई, अपने पे मत लेना। मैं भाई, सेक्स तुम फेसबुक पे करोगे तो रियल लाइफ में रहो ना। ठीक है, सही तो बोल रहा हूँ। Why is Facebook bothering you so much, bro? नहीं, पर मुझे लग रहा है वो सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही शायद, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती। रियल वर्ल्ड में तो मिल रही है ना। अरे फेसबुक में होंगे कुछ प्राइवेसी, why does it matter so much to you? मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वो रियल में मिल रही है, ask her for the date in real life. तुम, this means you are chasing the girl, bro. Stop that shit. Next, अगर तुम लड़की को चेज करोगे ना, गर्ल्स नेवर वॉन्ट अ गाय हु चेजेस देम, ट्रस्ट मी, वो जमाना जा चुका है, लड़कियां उन लड़कों से ऊब चुकी हैं, दे वॉन्ट टू चेज मैन नाउ, सो बी दैट गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक लड़की है जो बोलती है कि हम लड़कों पे भरोसा नहीं करते, लेकिन वही लड़की हमसे रात को 1 बजे तक बात करती है, तो क्या हम इसे प्यार समझे? बोलना, भरोसा करने के लिए ना इंसान के अंदर समझ होनी चाहिए। भरोसा अपनी समझ के बेसिस पे होता है,
रात के 1 बजे तक बात कर रही है तो उसमें क्या ब्रो, तुम लड़की हो कि तुम्हें लड़की के वर्ड्स इतना मैटर कर रहे हैं? अगर लड़की तुम्हें अपने वर्ड्स में घुमा रही है, इस तरह से तुम्हारे दिमाग में घुसा रही है, दैट मीन्स दैट तुम्हें अपना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे. मतलब गर्ल डजंट गिव अ फक, द गर्ल इज द मैन हियर. वो बोल कुछ, मतलब लड़की, काफ़ी सारी लड़कियों का जो ये होता ही है कि बोलती कुछ और है, करती कुछ और है. सो स्टॉप बिलीविंग इन देयर वर्ड्स. ये वही लड़कियाँ जो लड़कियों को प्रपोज करके हामी लेते हैं कि अच्छा मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे आई लव यू बोल दिया, एंड देन दे फील द रिलेशनशिप स्टार्ट्स. नो ब्रो, द रिलेशनशिप स्टार्ट्स इवन विदाउट प्रपोजल. तो इतना वर्ड्स का वैलिडेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इस चीज़ को तुम घुमा सकते हो. अगली बार लड़की बोले कि हाँ मैं किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, बोलना हो सकता है तुमने, तुम्हारी समझ की कमी की वजह से तुमने कई सारे बेवकूफ़ों पे भरोसा किया होगा, एंड इट इज़ फाइन. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट. यू मस्ट हील योर सेल्फ. Next question. Bye. How to get a girl just for hookup? Go to the clubs. That is the easiest way to get hookups. इसके अलावा इस दुनिया में और कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको hookup मिले. So be that guy in the club. Start approaching women. ठीक है? Club में ही आपको वो quick escalation मिलेगा. आपको सड़क पे बहुत कम मिलता है. वो भी ऐसी सड़क पे मिलेगा when there are a lot of clubs around. तो always वो तुम्हें clubs पे ही मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई मैंने आपकी सभी ट्रिक्स को फॉलो करने का ट्राई किया. आई स्टार्टेड डेटिंग अ गर्ल. आई एम पर्पस ड्रिवन बन के जॉब एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहा हूँ. नाउ माई क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कीप हर कमिटेड फॉर मैरिज. इट्स मोर देन 1 ईयर ऑफ माई रिलेशनशिप. वॉट रूल्स मैं फॉलो करूँ कि ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहे और मैं लड़की का इंटरेस्ट मेरे अंदर ना खो और ना ही ये रिलेशनशिप मोनोटोनस हो जाए. लव यू ब्रदर, बेस्ट विंग मैन एवर. Thank you so much. You have lightened my mood a little bit, but your question was again dumb. You are not the man to worry about it. लड़की को इस चीज़ का टेंशन होना चाहिए. मैं हैवीली बोल रहा हूँ ये चीज़. The girl should be worried कि क्या ये टिक पाएगा या नहीं. Not you. Relationships को monotonous ना बनाने की responsibility होती है लड़कियों की, not the guys. अगर तुम इन चीज़ों पे तुम बोल रहे हो कि तुम purpose driven हो, which is very good. बट इफ़ यू रियली आर, देन अगर तुम लड़कियों को ड्रामा, लड़की को ड्रामा देने लगोगे, बकचोदी करोगे, देन थिंग्स विल गेट, यू नो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एंड योर लाइफ विल बिकम द रिलेशनशिप, जो कि 90% लड़कों के साथ होता है. और जैसे ही वो होता है, दे गो, वो लोग देयर लाइफ इज फक्ड आफ्टर दैट. सो इफ़ यू वॉन्ट टू सस्टेन दिस रिलेशनशिप, जस्ट कीप वर्किंग. तुम्हारे अंदर जितनी वैल्यू और ऐड होती जाएगी, लड़की की समझ में उतना आने लगेगा कि हाँ भाई ये उतनी ही, ही कैन गेट मैनी अदर मोर ऑप्शन, एंड लड़की कभी नहीं जाएगी. एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई लड़की तुम्हारी अनअवेलेबिलिटी या यू नो तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम नहीं टिक रही है, लेट हर गो. अपने अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ रखो, ठीक है, बिकॉज यू हैव योर पर्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई मैंने 2 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उन दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं मिल रहा उसको. अब उसको पता करना है कि वो दोनों में से उसको सच्चा प्यार कौन करती है. देखो भाई, मैं एक बात बताता हूँ, दोनों को छोड़ के देख लो. जो लड़की छोड़ने के बाद तुम पे एफर्ट्स डाले, वो तुमसे सच्चा प्यार करती है. और क्या टेस्ट होगा ना भाई. तुम लोगों को अगर कोई टेस्ट पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो. क्या पता एक लड़की को पता चल जाए कि दूसरी लड़की के बारे में बाद में. मतलब एक लड़की को कभी दूसरी लड़की के बारे में पता चल जाए, डर नहीं लगता? अब देखो, उनमें से पता लगने के बाद भी कौन सी लड़की टिकी रहती है. भाई एक लड़की मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है. वेरी गुड. लेकिन काफी बार हमारा कम्युनिकेशन नहीं चलता अच्छे से. कैसे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा उस लड़की से ठीक से कम्युनिकेशन क्यों नहीं चलता? बिकॉज तुम लोग अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हो. सिंस यू आर वर्किंग, तभी तो तुम्हें प्रॉब्लम दिख रहा है ना अपने कम्युनिकेशन में. अदरवाइज आई हैव ऑल्सो बीन इन टू द रिलेशनशिप जहाँ पे हम लोग कोई डीप बात करते ही नहीं है, तो वी डोंट एवर इवन फील कि हमारे में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है. तो इट इज़ ओके, जब कम्युनिकेशन गैप होता है, चीज़ों को समझते हैं, तभी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है भाई. क्योंकि एक टाइम के बाद रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री तो देखो भाई ज़्यादातर रह नहीं जाती है. तो इन्हीं चीज़ों से एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग लव में क्रिएट होता है. Next question. Love you brother. I have become purpose driven in my life. But लड़की बोल रही है अब मैं purpose driven बन चुका हूँ life में. लेकिन अब लड़की मेरी बोल रही है, 2 साल का relationship है, bracket में लिखा है उसने. लड़की मेरी बोल रही है कि तू तो मेरे को time ही नहीं देता, मुझसे प्यार नहीं करता क्या? बहुत अच्छा question है, ऐसे question पूछा करो please मेरे से. Number 1, लड़की को कैसा लड़का चाहिए? छिछोरा. Number 2, इसीलिए she is not grateful for you and your success, क्योंकि she also doesn't know कि जिस चीज़ के लिए तुम काम कर रहे हो
she is going to be a part of that success. She doesn't know that. Maybe हो सकता है लड़की immature हो, but still. लेकिन लड़की बोल रही है अब इसको 2 साल के relationship में कि तू मुझे time नहीं दे रहा, हाँ तो तू मुझसे क्या प्यार नहीं करता? उसको बोलना देखो अपनी availability doesn't mean कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है? मुझे I just know that you are there, that is okay for me and I am there for you, that should be okay for you. ऐसा मत करो कि लड़की को बहुत ज़्यादा टाइम मत दो भाई, हफ्ते में 1 या 2 दिन बाहर ले जाया करो, ठीक है? या तो लड़की को अपने वर्क प्लेस में अपने साथ लेके आओ और अपने पर्पस में उसको इन्वॉल्व कराओ, क्योंकि गर्ल्स लव टू असिस्ट यू इन योर पर्पस एंड इफ शी इज़ नॉट विलिंग टू असिस्ट यू इन योर पर्पस, रिमूव दैट गर्ल. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई एक लड़की है जो मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए पटा ली थी, अब गलती हो गई मेरी कि मैंने घर वालों से मिलवा दिया, तो अब घर पर घुसी जा रही है, अब सारे मेरे घर वाले मिलके उसको मुझसे प्यार करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, अब मैं क्या करूँ? तो ठीक है ना भाई, आदमी की ज़िंदगी में वैसे भी प्यार कहाँ होता है, और बीइंग अ मैन आपके सारे इमोशंस इज ना ऑलवेज इन बिल्डिंग द सोसाइटी. अगर आपने अपने अंदर ये सेंस डेवलप कर लिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके साथ कैसी लड़की है. कई सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं स्टार्टिंग में खुद भी दिखाती हैं कि हाँ मैं तो बस टाइम पास के लिए ही हूँ, लेकिन फिर उनके रंग बदल जाते हैं. तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब कि लड़का काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कि पहले उसने सोचा होगा कि टाइम पास नहीं, मेरे बनाए हुए लड़के सबको इंटरेस्टिंग लगते हैं. आगे पूछो. तो हो गई ना लड़की सीरियस, तो अच्छा होना चाहिए. टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच है पूरी यहाँ पे. जब गेम खेलना नहीं आता तो आए क्यों? तो बेचारा अब लड़का करेगा इसमें कुछ नहीं. मैंने बोला ना आदमी की जिंदगी में वैसे भी प्यार नहीं लिखा होता भाई. मिल रहा है तो ले लो. नहीं, योर क्वेश्चन वाज कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ. हाँ. मैंने वही बोला, आदमी की जिंदगी में प्यार नहीं होता है. आदमी के इमोशंस उसके वर्क में होते हैं, उसके पर्पस में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. उल्टा तुम्हें अब अपने काम से और ज्यादा प्यार होने लगेगा. भाई लड़की को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पटाने का तरीका बताओ भाई, बताओ. नंबर 1, हमेशा लड़की को अप्रोच करो और ऐसी लड़की को पटाने के पीछे कभी भी मत भागना जिस लड़की के माइंड में ऑलरेडी तुम्हें लेके एक परसेप्शन है. अगर जिन लड़कियों को तुम्हें पहले से जानती है, लेट देम चेज यू, बट अगर इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू गेट अ न्यू सेट ऑफ गर्ल्स फॉर यू. सेट ऑफ गर्ल्स हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों को एक सही लाइफ पार्टनर चाहिए. दैट इज़ वाई वी आर डेटिंग. वी आर नॉट डेटिंग फॉर हुकअप्स. वो 300 रुपये में भी मिल जाएगा. सो वी आर डेटिंग फॉर अ गुड लाइफ पार्टनर. सो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पर्सन, न्यू सेट ऑफ गर्ल्स. अप्रोच देम एंड शो योर बेस्ट टू देम एंड बी योर बेस्ट. इससे तुम्हें भी ना यू लर्न टू एक्ट लाइक अ गुड न्यू ह्यूमन बींग, राइट? नंबर 2, अप्रोच देम, टेक देयर नंबर्स. अप्रोच करते वक्त भी लड़की को केवल इतना सा बोलना. क्या बोलोगे? हे, व्हाट्स योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? डू यू वांट टू हैंग आउट समटाइम्स? या एक कोई भी रैंडम क्वेश्चन. मैं एक एयर हॉस्टेस को अप्रोच कर रहा था, तो माय सिंपल क्वेश्चन वाज, हाउ मेनी टाइम्स डू यू फ्लाई? डू यू वांट टू हैंग आउट समटाइम? दैट्स इट. पहले मैंने अपना इंटरेस्ट भी शो किया एंड देन मैंने अपना रियल इंटरेस्ट भी शो किया. बहुत सारे लड़के होते हैं, हाय, आई रियली लाइक योर पर्स, वेयर हैव यू गॉट दिस फ्रॉम? तुम उस लड़की का नंबर ले भी लोगे ना, देन ऑल्सो यू विल नेवर एवर गेट हर, बिकॉज गर्ल ने पहले तुम्हें अपनी नाइसनेस तुमने दिखा के उसे कहीं ना कहीं इमोशनली मैनिपुलेट करके नंबर ले लिया. बहुत सारे लड़के तुम्हें रिप्लाई भी नहीं करेंगे. सो योर सिंपल स्टेटमेंट फॉर एवर शुड बी, डू यू वॉन्ट टू हैंग आउट समटाइम्स? बी क्लियर ब्रो. और 10 लड़कियों को अप्रोच कर लेना, लेकिन कम से कम अप्रोच करने का मोटिवेशन तो बना रहेगा. टेक देम आउट फॉर अ डेट. प्लान द नेक्स्ट कमिंग वीकेंड इटसेल्फ. ओके, टेक देम आउट 1 or 2 times. Make out with them, have sex, okay? If she is okay with it, obviously. If she is interested, your relationship has started, bro. इसमें तुम्हारे लिए important चीज़ें क्या क्या है? You are going to the gym, you are on your purpose. That is what the girl understands कि हाँ, ये लड़का मुझे seduce भी कर सकता है and this man is a good provider. इससे जब लड़की तुम्हारे साथ सो भी जाएगी ना, she will never regret it. Because she feels that okay, my choice was at least right. इन चीज़ों का ध्यान देना. लड़की पटाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, but we are always going to learn how to live a healthy life. तो guys, आज के लिए बस इतना ही. मिलता हूँ मैं आप सभी को ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो में. I love you all. नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल देना. Bye.